मैंगो खाते हैं। ये वाला फ़ैन लगाया हुआ है क्योंकि इस फैन की हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही। आई डोंट नो कहाँ जा रही है। साले का खोपड़ी तोड़ कहते हैं मैंगो खाने के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। अच्छा मैंगो खत्म। मेरी आदत है मैं बिल्कुल भी बर्तन गंदे नहीं छोड़ सकती। अच्छा चूल्हे पे मैंने चढ़ाया हुआ है सालन, ये भी आउट कर दे। अच्छा जी सबसे पहले मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पेशावर के आसपास बारिशें हुई हैं तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। ये शाम का व्यू है, शाम हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। शाम का टाइम है, आज आपके साथ शेयर करनी है आज आपके साथ अपनी आज की शाम की रूटीन। तो आज मेरे ऑफिस की ऑफ थी तो मैं घर पर ही थी, घर को संभाला, घर के सारे काम निपटाए। अभी मैंने शाम की नमाज़ पढ़ी है, अभी मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि चूल्हे पर मैंने चढ़ाया हुआ है पुलाव, उसको कह लें, या हमारे ये पठानों के बनते हैं चौसठ वाली रोटी जिसको बोलते हैं, मैं वो बनाने की ट्राई कर रही हूँ। अभी बस मैंने नमाज पढ़ ली है, मैं नीचे जाऊंगी। यहाँ पे मैंने लगाना है इसको तड़का, तो मैं प्याज जो है वो ब्राउन कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है जल गए हैं। ये साइड से नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे जल गए हैं क्योंकि मुझे तो मुझे स्मेल आई है जलने की, और वो बाकी से जल गए हैं। कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ ना कि मैंने अच्छे से दिल से कुकिंग की हो, मतलब अगर मैं दिल से भी कुकिंग करूं तो वो लाजमी जल जाती है, लाजमी जल जाती है। म्यूजिक लाजमी जल जाती है। बचत हो गई, साइड से जल गए हैं लेकिन सेंटर में है, तो मैं इसको जैसे ये अभी ब्राउन होता है मैं इसको तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको स्पाइसी बनाऊंगी। मेरे पास एक ही ग्लास बचा था और अभी यहाँ से गिर के ये सिंक में गिर के टूट गया। मैंने सुना है कि कोई भी कांच की चीज़ टूट जाए, ग्लास टूट जाए, प्लेट टूट जाए तो कहते हैं खुशबख्ती की अलामत है। अब ये सच है या नहीं आप मुझे बताइएगा कमेंट में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। और फिर से हमारे इस स्टोर की हालत बहुत बुरी हो रही है, कपड़े 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 हर जगह कपड़े। अभी मैं सोच रही हूँ मैं कल के लिए अभी से ड्रेस निकाल लूँ क्योंकि फिर मुझे एकदम से लेट होता है और मैं ड्रेस ढूँढ रही होती हूँ, तो बेहतर है मैं अभी से निकाल लूँ। साथ साथ मैं ये मेकअप की चीज़ें भी रख लूँ क्योंकि उस दिन भी मैं ये पैलेट भूल गई थी घर पर। ये मैं नया पैलेट मैंने लिया है लेकिन ये इसमें डैमेज हो गया है, आई डोंट नो कैसे। ये देखिए एप्लीकेटर्स मैं उस दिन भी भूल गई थी इसलिए ये मैं अभी से रख देती हूँ क्योंकि सुबह फिर जल्दी में होती हूँ और ये चीज़ें मुझसे भूल जाती हैं, तो इसलिए अभी सोचा है कि रात से अच्छे बच्चों की तरह मैं अपना बैग वगैरह सेट कर लूँ ताकि सुबह मुझे कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा जी मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि रोशन से मेरी डिटेल में बात हो गई थी, वो कुकिंग सीख रहा है किचन में खड़े होके, मुझे पल पल की रिपोर्ट देता है, जी हम ये बना रहे हैं आज, हम ये बना रहे हैं। मुझे खुशी होती है, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करता है। तो मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक अब दोबारा जाऊँ रोशन से मिलने लाहौर। लाहौर वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ा सा घूम फिर भी लूँगी।
अभी मैं आई हूँ पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद वाली पड़ रही है और घर में हमेशा आपने मेरी जितनी भी व्लॉग्स हैं जितनी उसमें ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि जी मेरी यही एक ब्लैक शर्ट होती है जो कि मैं पहनती हूँ घर में, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ये वाली शर्ट। मेरे ख्याल से इसके 5-6 ईयर्स हुए होंगे और ये इतनी अच्छी शर्ट है कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो मैं अभी शॉवर लेके ये वाली शर्ट पहनती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ देर में यहाँ पे अक्सर ऊपर आके बैठ जाती हूँ क्योंकि मेमोरीज़, बचपन से जुड़ी बातें, रीसेंट जो भी लाइफ में चल रहा है, आगे क्या होना है। वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में प्लान करके कोई भी चीज़ नहीं चलती, लाइक जिस तरह लोग करते हैं ना प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर मैंने ये करना है, नेक्स्ट ईयर मैंने ये करना है। असल में मेरी लाइफ में हादसात इतने हुए हैं कि मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। मतलब वो इंसान एक लाइफ अपनी प्लान करता है कि जी मैंने ये लाइफ प्लान करके चलना है या आगे मेरे ये वाले गोल्स हैं, नहीं, बस मेरी ज़िंदगी में अगर आज रात हुई है और आज का दिन जो गुज़रा है, बस कल की मेरे फिर सोच नहीं होती कि जी मैंने आज के दिन में क्या करना है, बस वो चलती रहती है। तो अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादातर यही कहती रहती हूँ, यही बताती रहती हूँ कि जी अपनी ज़िंदगी को प्लान करके चलें और उसके लिए बाकायदा एक लाहे अमल तैयार करें, उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन मैं अपने लिए मेरी ये सोच बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप मुझसे कभी भी कोई मुझसे ये सवाल पूछे ना कि ज़किया नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या प्लान है, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, तो मेरी इस तरह की कोई प्लानिंग्स नहीं है, ना मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा है। हाँ, यहाँ पे अक्सर आके मैं रात को बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के हवाले से सोचती हूँ कि बच्चे को मैंने किस फील्ड में इन करना है, आगे इनकी एजुकेशन कैसे चलानी है, ये मैं सोचती रहती हूँ। लेकिन प्रॉपर मेरी सही तरीके से प्लानिंग नहीं होती ऑल डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। हाँ, जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम होते हैं उसके लिए तो मैं सोचती रहती हूँ कि जी ये वाला काम कर लें, ये वाला काम कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर उस तरह से अपनी फ्यूचर मैंने कभी भी प्लान करके मैं नहीं चली हूँ। बहरहाल ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग जो है वह मैं अपलोड कर रही हूँ, जो कि मेरी इवनिंग की रूटीन है, और इवनिंग में मेरी ज़्यादा कुछ भी वो नहीं होती, मतलब ज़्यादा काम शाम नहीं होते। इंशाल्लाह कल के लिए एक अच्छा सा व्लॉग आपके लिए तैयार करके अपलोड करूँगी। अभी ये वाला व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।